हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेटामास्क के बारे में और जानेंगे क्या आपको यहाँ पे करना है कि आप इनके आने वाले एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इनकी टीम ने पहले भी कहा है कि इनका मास्क नाम से टोकन लॉन्च होगा, लेकिन वो कब होगा हमें नहीं पता। अगर इनके पेरेंट कंपनी की बात करें तो इन लोगों ने एक ट्वीट किया था 28 मार्च का। नहीं पता कि क्या होगा 28 मार्च को। या तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे शायद स्नैपशॉट ले सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे कंसेंसस का अपना पब्लिक टेस्टेड भी लॉन्च कर सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा अपने अगले एयरड्रॉप के लिए। बहुत सारे लोगों ने एप्टोस को मिस कर दिया, बहुत सारे लोगों ने आर्बिट्रम को मिस कर दिया, बट मेक श्योर कि अब यहाँ से आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के एयरड्रॉप को मिस ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको मेटामास्क के बारे में बताऊंगा कि क्या आपको करना है और कैसे आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेटामास्क के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ 3 फीचर्स को यूज़ करना है। पहला है इनका इनबिल्ट स्वैप फंक्शन, सेकेंड है आपका ब्रिज, और थर्ड है आपका स्टेक। बस आप ये 3 चीज को लगातार करते रहें, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि हफ्ते में 2 बार या फिर मंथ में 4 बार, और कम से कम लगातार आप करें 3 से 6 महीने तक। क्योंकि अगर आप आर्बिट्रम को देखेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिन लोगों ने 9 मंथ्स तक रेगुलरली उनके ऑन चेन एक्टिविटी को दिखाया है। तो यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इन स्वैप फीचर के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मेटामास्क का ट्वीट, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, रिमाइंडर दिया है कि आप मेटामास्क के ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं, और वो इस समय आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, अवलांचे, बीएससी एंड इथेरियम नेटवर्क को सपोर्ट करता है। टोटल 6 नेटवर्क्स को वो इस समय यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वैप को यूज़ करते हैं, और स्वैप आप यहाँ पे किसी भी नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय ये यहाँ पे 6 नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा कम फीस यहाँ पे सभी में लगती है एक्सेप्ट इथेरियम के। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे कम से कम 3 नेटवर्क को टेस्ट ज़रूर करें, जैसे कि पॉलीगॉन, बीएनबी, या फिर आर्बिट्रम, या फिर आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है सबसे ज़्यादा कम लगती है। तो यहाँ पे मैं जो स्वैप करूँगा वो मैं आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर करूँगा, और स्वैप पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ USDC, और इसे हम स्वैप करेंगे इथेरियम के ऊपर। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है वॉल्यूम। आप यहाँ कितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे $500 USDC को कन्वर्ट करूँगा इथेरियम के ऊपर। तो अगर आपके पास बड़े अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे छोटे अमाउंट से कम 500 से लेके 1000 USD का वॉल्यूम जनरेट करें। अगर आपके पास 100 USD है तो आप 100 USD को कम से कम 10 बार स्वैप करें, लेकिन आपको वो 10 स्वैप एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, फिर अगले ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे 2 बार कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं USDC को कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि स्वैप कर लेता हूँ। रिव्यू स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मुझे इस समय 0.287 मिलेगा। स्वैप पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे वॉलेट के अंदर जो इथेरियम है अब वो यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, 0.3 इथेरियम शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा स्वैप कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपको इनके इस पहले फीचर को कंप्लीट करना है। सेकंड फीचर है ब्रिज, और थर्ड फीचर है स्टेक। उन दोनों फीचर को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो साइट के ऊपर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बाय स्वैप ब्रिज स्टेक, तो यहाँ पर आपको ब्रिज पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अब मैं ब्रिज करूँगा आर्बिट्रम से किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर। तो आप इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, बीएनबी, जो चाहे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इथेरियम चूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम तीसरे फीचर की बात करें स्टेक की, तो यहाँ पे आपको इथेरियम ही स्टेक करना है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेशन दूंगा कि कम से कम 2 से 3 वॉलेट के अंदर कुछ इथेरियम जाके स्टेक करें, और बाद में उसे आप रिमूव कर ले। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रिज पे जाऊँगा, और आर्बिट्रम इथेरियम से इससे इथेरियम मिनट के ऊपर ब्रिज करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे 0.25 इथेरियम को ब्रिज करूँगा, और ये यहाँ पे बता रहा है कि जब यहाँ पे ये ब्रिज हो जाएगा तो मुझे इथेरियम मिनट के ऊपर 0.24 इथेरियम रिसीव होगा। तो जो टोटल डिफरेंस आप देख रहे हैं 442, यहाँ से मैं भेजूँगा और मुझे मिलेगा 432, यानी कि $10 का मुझे नुकसान हो जाएगा।
तो ये मिनट के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो फीस बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एयर ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं तो। और ये यहाँ पे हॉप ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, आप चूज अ डिफरेंट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी दूसरे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दूंगा और सबमिट ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा कंफर्म। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो चुका है और ये मुझे बता रहा है कि कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा इस ब्रिज को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे अकाउंट से यानी कि आर्बिट्रम वन नेटवर्क से ऑलरेडी 0.25 इथेरियम डिडक्ट हो चुके हैं, और चेक करने के लिए अब मैं यहाँ पे इथेरियम मिनट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 0.25 इथेरियम रिसीव हो चुके हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत लंबा नहीं है, यहाँ पे आपका 2 से 4 मिनट के अंदर आपका जो ब्रिज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मेटामास्क के ब्रिज फंक्शन को यूज करना है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इनके आखिरी फीचर को जिसका नाम है स्टेक, और स्टेक में इस समय ये सिर्फ और सिर्फ इथेरियम नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है। लेकिन स्टेक करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने इस समय 2 पूल है, पहला है आपका लीडो स्टेक ईथ और दूसरा है आपका रॉकेट पूल स्टेक ईथ। जो दूसरे वाला है वो यहाँ पे अपने ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पे स्टेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पहला वाला है यहाँ पे आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और साथ में अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने इथेरियम को लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे अपने स्टेक किए हुए इथेरियम को दोबारा से स्वैप कर सकते हैं, ये यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 0.01 0.1 जितना आपकी कैपेसिटी है उतने इथेरियम को आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्टेक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ 0.1, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयरली आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो है $8.81 का, और मंथली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको $1 से कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम स्टेक रिवॉर्ड के लिए नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम इनके इस फंक्शन को यूज कर सके। और उसके बाद आपको क्लिक करना है रिव्यू के ऊपर, और ये सब बता रहा है कि आपको अपने नेटवर्क को सेलेक्ट करना है इथेरियम मिनट के ऊपर, और उसके बाद ही आपका ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ एरर चल रहा है, क्योंकि जब मैं इसे यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तो ये मुझे बार बार इथेरियम पे स्विच करने के लिए कह रहा है, जबकि जो मेरा नेटवर्क है वो ऑलरेडी इथेरियम मिनट के ऊपर सेट है। तो आप यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई एरर ना आए तो आप इसे स्टेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने दूसरे वॉलेट से ऑलरेडी स्टेक किया हुआ है और मैं इस वॉलेट में आपको स्टेक करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो स्टेकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यही रहने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे इनके स्वैप को यूज कर सकते हैं, इनके ब्रिज को यूज कर सकते हैं, और आपको इनके स्टेक को यूज करना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मेरा वॉलेट सबसे पुराना है तो क्या मुझे यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा। बात यह है कि आपका वॉलेट कितना भी पुराना हो या फिर आपके वॉलेट ने यूनिस्वैप के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हो, पैनकेक स्वैप के थ्रू किया हो, या फिर किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हो, आपको ये ड्रॉप नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी दूसरे प्रोटोकॉल के साथ अपने इस वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो जो फीस है वो उस प्रोटोकॉल के पास जाती है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे यूनिस्वैप पे अपने मेटामास्क को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप स्वैप कर रहे हैं तो ये जो फीस है वो यूनिस्वैप के पास जाती है, मेटामास्क के पास नहीं जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पे इनके स्वैप को यूज करते हैं या फिर आप इनके ब्रिज को यूज करते हैं या फिर आप इनके स्टेक को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो फीस होती है वो मेटामास्क के पास जाती है, और मेटामास्क उन्हीं को ड्रॉप करेगा जो इनके इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस तरीके से आप इन चीजों को कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। एयर ड्रॉप कब होगा हमें नहीं पता, स्नैपशॉट हो चुका है, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आप अभी भी यहाँ से स्टार्ट करते तो आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि आप इनके एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो मेटामास्क को कैसे यूज करना है और कैसे आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं इनके अपकमिंग एयर ड्रॉप के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।